ये बिहार है, यहाँ कब क्या देखने को मिल जाए किसी को नहीं पता। कभी पांच आदमी कोई बाहर को धकेलते तो धूल से लथपथ होकर भी अपने वाहन के टायरों को चेंज करते नजर आ सकते हैं। आप देख रहे हैं बरसों तक लाइव। बिहार के सुशासन के सरकार में यूं तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास के इस दावे की पोल खोलने वाली ये वीडियो समस्तीपुर और बेगूसराय को जोड़ने वाली कर्रख रामपुर पुल रोड की है, जहां पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। इस पुल में रोज लगभग 10 से 15 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसे राहगीर, वाहन चालक अथवा स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलें झेलने पड़ती है। पुल के पश्चिमी साइड वाले रास्ते जिसमें गड्ढा है, वो एरिया विभूतिपुर विधानसभा तथा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और पुल के पूर्वी ओर चेरिया बरियारपुर विधानसभा तथा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस पुल का निर्माण जून 2011 में हुआ था और पुल बनने के महज 2 साल बाद ही इसके सड़क की स्थिति दयनीय हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने लिखित एवं मौखिक शिकायत जनप्रतिनिधि से की तो वो ये कहकर टाल दिए कि ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि पुल रोड जिसमें सड़क है, वो जिस किसान का जमीन है, उस किसान को पिछले 8 सालों से मुआवजा नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित किसान सड़क बनने नहीं दे रहा है। चूंकि अब चुनाव नज़दीक है तो तरह तरह के वायदे हो रहे हैं, और अब ये देखना बाकी है कि कब किसान को मुआवजा मिलता है और कब सड़क का निर्माण होता है। बरसों तक लाइव के लिए विभूतिपुर चेरिया बरियारपुर से गुलशन कुमार की रिपोर्ट।